हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7.11 की। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने स्किप किया था। एक्चुअली स्किप इसलिए करना पड़ा कि ये जो है क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। शायद अभी आपको दिख रहा होगा सर सेम तो है वैसी तरह करना है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने वहाँ पे जिक्र किया था कि प्रॉपर मैं चीज़ें आपको बताऊंगा क्या टाइप बन सकता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितनी पावर ऊपर एक्स की है उतनी नीचे भी पावर एक्स की है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमेशा ऊपर जो एक्स की पावर होती थी हमेशा नीचे के कंपेरिजन में क्या होती थी, कम होती थी। ठीक है, नहीं देखा है तो अब आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या हम लोग नॉर्मल वाला मेथड लगाते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए पावर क्या ऊपर, यानी कि जो अंश की जो पावर है वो भी 2 है, और यहाँ पे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर की पावर क्या हो जाएगी, अब जो सबसे ज़्यादा हो जाएगी वो भी आपकी 2 हो जाएगी। जब पावर आपकी ऊपर और नीचे की बराबर होने लगे, या जब पावर ऊपर की बराबर ऊपर की बड़ी होने लगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सेम क्या था, ऊपर आप हमेशा पावर क्या होती थी, कम होती थी। मैंने आपसे कहा जब ये 2 कंडीशन बने, कब, जब आपकी ऊपर और नीचे की पावर क्या दिखे, या सेम दिखे, या मतलब बराबर दिखे, या ऊपर की पावर नीचे की तुलना में क्या ज़्यादा दिखे, यानी कि ऊपर 3 दिखे नीचे 2 दिखे, ऊपर 4 दिखे नीचे 3 दिखे, इस तरह कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे ना, तब हमेशा उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि भिन्न कहते हैं प्रॉपर। बस समझिएगा, तो इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले नीचे वाले से ऊपर वाले को हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि उसको हम लोग प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे। प्रॉपर फॉर्म क्या होगा, प्रॉपर फॉर्म जो आपकी होती है, ऊपर पावर हमेशा एक्स की कम होगी, नीचे पावर हमेशा एक्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब इस तरह कंडीशन बन जाएगी तो सेम वही वाला चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन, देन इसको लिख लेते हैं आई। तो इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 1 - x² बेकार लग रहा, तो हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा x² माइनस का यहाँ पे 1 बन जाएगा। डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में भी माइनस कॉमन ले लें कितना हो जाएगा, 2x² माइनस का यहाँ पे x हो जाएगा, और आपका यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, तो हमने यहाँ पे dx नहीं राइट किया, जी यहाँ dx हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, शायद यहाँ पे राइट नहीं किया ना, क्योंकि जब ये साइन लगा है तो dx आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन आपका x में, तो dx आएगा ही आएगा। अब इस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा i, तो इधर आ जाएगा कितना, x² माइनस का 1 अपॉन में हो जाएगा 2x² माइनस का x एंड dx। तो अभी यहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छे से इसको बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको सर डिवाइड करना है। अब हम इस चीज़ से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको बनाना है प्रॉपर में। प्रॉपर कहने का मतलब ये कि ऊपर जो एक्स की पावर होगी हमेशा कम होगी, नीचे वाली हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करना आपको क्वेश्चन में दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं दिखाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए किससे डिवाइड करना, हमको डिवाइड करना है कितना, 2x² माइनस एक्स से x² माइनस का 1 हमको डिवाइड करना है। ठीक, अब जो किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रॉपर ये नंबर क्या हो, ये नंबर आपका कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 1 से करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तब भी 2x² आएगा, जो कि यहाँ पे x² नीचे 2x² कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हमको करना पड़ेगा कितना, 1/2 से करना पड़ेगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे, यहाँ पे देखिए, जब इसका मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x² बचेगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आपका x आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हम लोग साइन चेंज करते हैं जब इस तरह कंडीशन करते हैं। तो देखिए x² क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 1/2 x बचेगा, माइनस का यहाँ पे आपका 1 बचेगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका नीचे आया है, क्या x की पावर इससे ज़्यादा या कम है, यहाँ पे देखिए ये पावर आपकी ज़्यादा है, ये पावर आपकी कम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ बिल्कुल बात सही चल रही है। अब इसको जैसे हम आंशिक मिश्रित फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखते हैं, ये प्लस ये बटे ये, यही तो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमने नॉर्मल से हमने सॉल्व किया, जैसे 2 से भाग दिया, किसको, 3 को भाग दिया, तो यहाँ पे 1 बार में जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 ये आ जाएगा। तो हम क्या लिखते थे, ये जो आता था वो यहाँ लिखते थे, ठीक, उसके साथ यानी कि 1/2 हम ये इस फॉर्म में लिखते थे। बात समझ रहे हैं ना, उसी तरह क्या आएगा, ये पहले लिखा जाएगा, यानी कि इसके जस्ट निशान पे यहाँ पे आपका आई आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इनके बीच में आप प्लस लगाओ चाहे लगाओ, बात सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ लगा देते हैं। अब क्या आएगा, ये चीज़ लिखी जाएगी कितनी, 1/2 x माइनस का 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आपका ये नंबर आ जाएगा,
2x स्क्वायर माइनस का x आ जाएगा एंड आपका यहाँ पे चल रहा है dx, तो यहाँ पर dx चलता रहेगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आपकी बनेगी, ठीक है। तो हम प्रॉपर क्या किया, हमने डिवाइड करके हमने ये फॉर्म कर ली। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे वाली जो पावर x की वो ज़्यादा है, ऊपर वाली क्या है कम, हमको बस ये चाहिए। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका प्रॉपर बन गया। तो आराम से आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं जो कि हम लोग अभी बेसिक से कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आई इक्वल टू हम राइट करेंगे, चलिए 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका dx हो जाएगा, हमने अलग अलग कर लिया। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये आपका x हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2x² माइनस का x हो जाएगा, और आपका यहाँ पे हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रहेगा i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा I1 हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा जिसको हम लोग I2 बना लेते हैं। हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे, सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। जब हम बना लेते हैं इक्वेशन, फर्स्ट बना लेते हैं इसको। अब चलिए I1, तो I1 अब कितना है, I1 तो हम लोग अलग आराम सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/2 dx दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, जब 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाला जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा dx। तो I1 का आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं यानी कि हम लगा देंगे C1 लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका I1 निकल आया। उसी तरह अब हम लोग सॉल्व करेंगे कितना, I2 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले हम I2 राइट कर लेते हैं। तो अब हम प्रॉपर क्या करेंगे, जो सेम वही काम करेंगे, यहाँ पे हमको चीज़ दिखा, देखिए यहाँ हमको प्रॉपर इंटीग्रल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे देखो ज़्यादा है ऊपर कम, इसका मतलब सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग ब्रेक करते हैं। जैसे यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, तो क्या मैं इस चीज़ को इस तरह थोड़ा सा राइट कर दूँ, 1/2 आपका x लिखा, तो x लिखा रहने दिए, माइनस का 1, या 1 लिखा, 1 लिखा रहने दिए। यहाँ देखिए यहाँ x कॉमन है, तो x हमने कॉमन निकाला, 2x बचा, यहाँ माइनस का 1 बचा, और आपका यहाँ पे dx बचा, ठीक है। अब हम इस चीज़ की वैल्यू अलग निकालेंगे, तो यहाँ 1/2 x माइनस का 1 डिवाइड में हो जाएगा कितना, x 2x माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये चीज़ चलती रहेगी। अब इधर देखिए a अपॉन समथिंग, ये ब्रेक किया जाएगा, यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक तो बन नहीं रही, प्लस का बी अपॉन समथिंग कितना, बी अपॉन आपका ये ब्रेक किया जाएगा कितना, 2x माइनस 1, ठीक है। पर जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना है इसमें बस, क्योंकि सेम आपका इस तरह कंडीशन, अभी यहाँ पे कुछ और होता तो मैं उसके बाद जाता, ठीक है। इस तरह काम आपको करना है। चलिए यहाँ पे ठीक है, इसका चलो यहाँ पे 1 हमने नाम दिया था, इसको हम नाम दे देते हैं कितना, 2 नाम दे देते हैं। यहाँ पे वही काम करेंगे, यहाँ पहले हमको एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, देन आपका यहाँ पे एक्स 2x माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम दे रहा है कितना हो जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस का 1, एंड आपका यहाँ पे देखिए इससे ये ब्रेक हो जाएगा, तो a का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा कितना, 2x माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का b कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा इससे ये चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x, तो ये इससे रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ जो बचा था हमने यहाँ राइट किया, इधर a आपका आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2x माइनस का 1, प्लस का आपका आ जाएगा bx, ठीक है। ये दो हो गई, तो यहाँ पर रख देते हैं इसको, हम लोग 3 बना देते हैं। तो इक्वेशन कितनी भी बन सकती है, कोई मैटर नहीं करता, जितना हमको यूज करना है उस अपने अकॉर्डिंग यहाँ बनाएंगे। अब चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब नॉर्मल आपको मैंने यहाँ पे दो चीज़ें बताई थी, या आप कंपैरिजन करके या तुलना करके सिंपल से कांस्टेंट का वेरिएबल का अंडर मल्टीप्लाई करिए, फिर आप वहाँ से गुणांक की तुलना करिए, ये मैंने बताया था। या आपको मैंने बताया जब आसानी से वैल्यू निकल सके एक्स की, चुप उठा के यहाँ पे आके पुट कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ जब नॉर्मल जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रखने पर कहाँ पे, समीकरण 3 में, ठीक है। तो ये काम हम आराम से कर सकते हैं, जब यहाँ रखेंगे x बराबर 0, तो x की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1, हमने राइट कर दिया। यहाँ रखेंगे x बराबर 0, बात समझिएगा, यहाँ रखेंगे x बराबर 0 तो ये गायब हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई a से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे 0 तो ये गायब हो जाएगा पूरे तरीके से, तो माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब उसी तरह अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से आपकी निकलेगी 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इक्वल टू आएगा 1, एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। अब x की वैल्यू कहाँ उठा के पुट करना है, यहाँ पुट करना है। जब हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, देखिए 1/2 रखना है, तो 1/2 जब यहाँ से रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए करके दिखा देते हैं, यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स की जगह हमने 1/2 रखा, माइनस का 1 रखा, इक्वल टू लगाया। अब ए यहाँ देखिए 1/2 यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए यहाँ पर हम पूरा राइट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बी, ठीक है, और यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जब
वन का मल्टीप्लाई वन से वन आएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे हम फोर हो जाएगा, ठीक है। वन अपॉन फोर माइनस का वन करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का तीन बटे चार आ जाएगा, ठीक। इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा b की वैल्यू कितनी, बाई टू, तो बाई टू हो जाएगा, इससे रिमूव हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का थ्री बाई टू, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल गई। अब देखिए a और b की वैल्यू जो भी हमने निकाली वो कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन सेकंड में रखेंगे, तो क्वेश्चन सेकंड में रखने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कितना, वन अपॉन टू एक्स माइनस का वन अपॉन में एक्स टू एक्स माइनस का वन, एंड ए की जगह जो हमने वैल्यू निकाली कितनी वन निकाली, तो यहाँ वन रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा वन अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे है ठीक रखेंगे, लेकिन बी की वैल्यू कितनी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी की जगह कितना हो जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा, डिवाइड में आपका टू एक्स माइनस वन चल रहा है, वो चलने दीजिए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली प्रॉपर, क्या करेंगे अब, आई टू यही तो था ये यहाँ रखा था, हमने इसकी वैल्यू प्रॉपर निकाली कितनी, ये सब इसी बिहाब पे निकाली, तो मैं इस इसकी जगह ये वैल्यू वैल्यू रख दूँ, ठीक है, क्योंकि काम वही किया है। यहाँ पे हो जाएगा कितना, आई टू इजिकल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन था इंटीग्रेशन हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे थ्री रहेगा, नीचे टू हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐसी चलेगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा वन अपॉन एक्स, ये आपका आ जाएगा डी एक्स, माइनस का थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स माइनस का वन, एंड आपका आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आई टू आपका ऐसे रहेगा, वन अपॉन एक्स का आपको पता है कितना होता है, लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स हो जाएगा। सारे जो फॉर्मूले आपको बताएं वही चीज़ अप्लाई यहाँ पे करनी, कुछ अलग अप्लाई नहीं करना, ठीक है, उसके लिए टेंशन फ्री रहिएगा आप। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा थ्री बाई टू। अब इधर देखिए लॉग, तो लॉग तो होगा ही होगा क्योंकि वन अपॉन एक्स फॉर्म में है, जो है वो तो रहेगा रहेगा, मैंने आपसे कहा था कि एक्स में ऐड जो हो उसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्स का जो मल्टीपल होता है वो कहाँ जाता है, उसके अपॉन में जाता है, तो यहाँ पे टू मल्टीपल है तो यहाँ पे इसके टू अपॉन में जाएगा, और प्लस का कांस्टेंट कितना लगा देंगे, सी टू लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई टू आपका तो ऐसे रहेगा लॉग एक्स माइनस का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉग टू एक्स माइनस का वन एंड प्लस का सी टू, ठीक है। तो अब आई वन और I2 का मान जो हमने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ बनाई थी उसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण एक से, तो यहाँ पे आपका समीकरण एक I था, तो I1 की जगह क्या रखेंगे, I1 की वैल्यू जो हमने निकाली कितनी, वन अपॉन टू निकाली है, वो रख देते हैं x, और C1 को हम लोग बाद में रखेंगे, ठीक है। तो I2 की जगह क्या रखेंगे, I2 की जगह प्रॉपर हम ये रख देते हैं, और I1 का यहाँ पे C1 रखा, I2 का यहाँ पे C2 रखा, ठीक है। तो अब इसको हम हटा के एक कांस्टेंट अलग ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इंटीग्रेशन में सॉल्यूशन में दो कांस्टेंट नहीं हो सकते, प्रॉपर हमको रखना पड़ेगा एक ही, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I इज इक्वल टू कितना, वन अपॉन टू एक्स प्लस का लॉग एक्स माइनस का थ्री बाई फोर, यहाँ पर हो जाएगा लॉग टू एक्स माइनस का वन, और इसकी जगह हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था सी क्या होता है, सी जहाँ पे लिख दीजिएगा आप क्या, जहाँ जो आपका सी है वो क्या है, वो सी वन प्लस सी टू के बराबर है, ठीक है। तो आप इस तरह भी इसको राइट कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको बस ये समझना है क्वेश्चन, जैसे थोड़ा सा बड़े में आगे, कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके पाँच नंबर में ही बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक कर लीजिए, क्या कहीं इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो नहीं दे रखा है, क्योंकि मैक्सिमम केस में होता वही चीज़ है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं वो सब एक ही में लपेट के आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर भी आ जाएगा, सब कुछ बेटर हो जाएगा, लेकिन चीज़ें आप लास्ट में जाके फंसेंगे जब आपके आंसर नहीं निकल रहे होंगे। स्टार्टिंग में तो खूब मजे से आप करते जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन लास्ट में आप जाके फंसेंगे, तो इसलिए लास्ट में ना फंसें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप वहीं पे चेकआउट कर लीजिए, मुश्किल से क्या 10 सेकंड लगेगा, आपको दिख जाएगा कि इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है, ठीक है। जब पावर ऊपर वाली छोटी होगी, नीचे वाले तो सिंपल से वही पहला वाला फॉर्मेट है, सेम भी हुआ तब भी आपको करना डिवाइड करना, डिवाइड करना आराम से आपको आ जाएगा। अगर आपको डिवाइड करने में कोई दिक्कत है देन बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट करिएगा, ये क्लास 12 या करिएगा क्लास 10th का टॉपिक है, ठीक है। डिवाइड करना आपने क्लास 10th में अच्छे से सीखा होगा, अगर आपको लगता है कि सर हमको परेशानी होती है हम नहीं सीख पाए देन बिल्कुल कॉन्टैक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी, लेकिन आपको बस दिए गए नंबर पर कॉल करना है। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। चलिए हम बात करते हैं इसी तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर आपका 12 लिखा है क्या, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो क्वेश्चन को खुद ही देखिए, आप पहचानने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ लिखी हुई है। सिंपल सी बात, जब
जब आप अंश में जाएंगे तो वहाँ देखिए x की पावर सबसे ज़्यादा है वो 3 है, और आप हर में जाएंगे तो x की पावर कितनी सबसे ज़्यादा 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली चीज़ आपकी बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी। तो मैंने आपसे कहा था जब ऊपर वाली चीज़ पावर बड़ी हो जाए, नीचे वाली पावर छोटी हो जाए, तो वो क्या हो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। ठीक है, यानी उसको हमको चेंज करके प्रॉपर इंटीग्रल बनाना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सा सर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग आई के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, देन आगे प्रोसीजर करेंगे। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पर राइट करते हैं, किससे डिवाइड करना है, हमको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन से, किस चीज़ को, एक्स क्यूब प्लस का एक्स प्लस का वन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं कि ये एक्स क्यूब बन जाए, और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब नीचे भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब सर हमको x से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हम x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा। उसके बाद हम लोग हमेशा क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ एक्स क्यूब निकल जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 2x, और प्लस का यहाँ पे 1 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ बचा है क्या, इसकी एक्स की कितनी पावर है सर, 1 पावर है, यहाँ कितनी है, यहाँ पे 2 पावर है। इसका मतलब बात बिल्कुल करेक्ट आ चुकी है, यानी कि ये चीज़ आपके ऊपर रहेगी और ये चीज़ आपकी नीचे रहेगी, ऊपर वाली पावर हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे हम मिश्रित फॉर्म में कितना आएगा, इंटीग्रेशन लिखा तो उधर लिखा रहेगा, तो ये लिखेंगे यानी कि एक्स प्लस का दिस अपॉन दिस, है ना, यानी कितना आ जाएगा 2x प्लस का 1, वन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, एंड आपका यहाँ पे डीएक्सएल है, चलने दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे नॉर्मल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा एक्स डीएक्स हो जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा कितना 2x प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एंड आपका यहाँ पे आ जाएगा डीएक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब आपका यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई 1 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा कितना आई 2 हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब नॉर्मल क्या करेंगे, अब आई 1 को हम लोग अलग लेट करेंगे, आई 2 को हम लोग अलग लेट करेंगे, इसके सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे आके पुट कर देंगे, इसलिए इसको समीकरण 1 बना देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं आई 1, आई 1 कितना दे रखा है आपका एक्स डी एक्स है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा सी 1 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं कितना आई 2। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, अब आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस का 1 है वो रहेगा, अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एंड dx आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग पहले अलग लिखते हैं, इसके हम लोग वैल्यू निकालेंगे, देन यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 1। आपको पता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 को हम लिख सकते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस। चलिए वही फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ एक बार प्लस माइनस करेंगे एंड एक बार प्लस करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे देखते हुए पता चल गया कि सर यहाँ पे 2 फैक्टर आए, इसका मतलब a और इसका मतलब ये p। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस का b अपॉन क्या लिखा जाएगा x प्लस का 1 लिखा जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन आपकी सेकंड हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट हमने यहाँ बना दिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे नॉर्मल, अब एलसीएम लेके हम लोग की यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, देन यहाँ पे रख के हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, चीज़ें आपकी बिल्कुल आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर जैसे लिखा है वैसे हम यहाँ ऐड करेंगे कितना 2x प्लस 1 अपॉन में एक बार माइनस एंड एक बार प्लस। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉर्मूले कहाँ पर अप्लाई करने हैं, जल्दबाजी ना करिएगा, है ना, चीज़ें बिल्कुल आसान आपके लिए बन जाएंगी और इतना टिपिकल नहीं बनेगा, जो भी है वो आपको यहाँ दिमाग लगाना है, इसमें आप दिमाग लगाने की आगे जरूरत नहीं पड़ती है। इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये, इसका मल्टीप्लाई जाएगा होगा a से। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा एंड यहाँ होगा आपका b। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाए डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा b यानी कि कितना आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस का 1 आ जाएगा एंड आपका यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 प्लस का b आ जाएगा कितना x माइनस का 1 हो जाएगा। इसको हम लोग बना लेते हैं कितना, इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे नॉर्मल, अब वही काम करना है, अब जब x की वैल्यू आसानी से निकल रही है तो यहाँ पे पुट करिए, नहीं निकलती तो क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। जब यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ x की जगह 1 प्लस का 1 आ जाएगा, a यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस का b, देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a आ जाएगा। अब यहाँ 2 बन जा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे कितनी निकलेगी 3/2 निकलेगी,
उसको हम यहाँ पे ऐसे राइट करते हैं। देन क्या करेंगे, अब हम ये काम करेंगे x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी माइनस का वन निकलेगी। जो माइनस वन निकलेगी तो प्रॉपर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा, प्लस का आपका यहाँ पे वन आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे a, ये माइनस वन, प्लस का यहाँ पे वन आ जाएगा। b रखेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, b की जगह यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का वन हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिखना लिखते तब भी काम चलता, क्योंकि वन में से वन जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे जीरो बचेगा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी कि आएगा माइनस का टू b आ जाएगा, यहाँ का माइनस का टू ए, प्लस का वन कितना आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉइंट टू आ जाएगा। तो a और b का मान कहाँ रखते हैं, जाके समीकरण हम रखते हैं यहाँ पे सेकेंड में। जब सेकेंड में रखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं क्या, समीकरण दो से। ठीक है, तो आप मेंशन कर देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी कॉपी जो है बिल्कुल अलग दिखेगी, क्योंकि एग्जामिनर को जब ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है तो नंबर बहुत आसानी से देता है आपको, फ्रीली माइंड से, है ना। क्योंकि उसमें जब एक ही में हौच पोच कर देंगे, यहाँ बताएंगे नहीं हम कहाँ काम कर रहे हैं क्या नहीं काम कर रहे हैं, तो कहाँ से समझेगा। जितना आसानी से उसको आप समझा सकते हैं वो यही देखना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, टू एक्स प्लस का वन हो जाएगा, एंड अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस का वन, एंड यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस का वन हो जाएगा इक्वल टू। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमने 3/2 निकाली, तो यहाँ पे a की जगह हमने 3/2 रखा, एंड क्या चल रहा है, यहाँ पे x माइनस वन चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3/2 रखते हैं, बाद में 2 हम नीचे लाते हैं, इससे अच्छा कि हम पहले 2 ले आए। b की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो प्लस लगाया, यहाँ पे 1/2 रखा, और x की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन आ जाएगा, ये चीज़ निकाल ली। अब प्रॉपर आप देखिए खुद ही, इसकी वैल्यू प्रॉपर हमने इस फॉर्मेट में निकाली, तो क्या मैं इसकी जगह ये ले सकता हूँ, बिल्कुल सर रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आऊँगा अब आई टू में। ठीक है, तो प्रॉपर आपको पता ही करना है क्या, आपको पहले ये वाला प्रोसीजर करना है, देन आपको ये करना है जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो अप्लाई करना है। तो आई टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन अब यहाँ पे 3/2 आपका आएगा साथ में, उसके बाद हो जाएगा कितना, एक्स माइनस का वन। ठीक है, यहाँ पे आपका डी एक्स हो जाएगा, देन आपका प्लस रहेगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ भी लगाते हैं 1/2, एंड x प्लस का आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, एंड आपका यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, तो ये बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x माइनस का 1 हो जाएगा, एंड dx हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये आपको हो जाएगा कितना, x प्लस का 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई टू। अब यहाँ समझिएगा 3/2, अब आपको पता है यहाँ log x कितना होता है, 1/x होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, कितनी, log x माइनस वन हो जाएगा, उसके बाद प्लस का, क्योंकि x के आगे देखिए 1 है, तो 1 को नीचे डिवाइड में लिखते हैं या नहीं लिखते बात एक ही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, log x प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का यहाँ पे आई टू है। देखिए यहाँ पे आई वन में हमने क्या यूज किया था, आई वन में हमने यूज किया था सी वन, अब आई टू में क्या यूज करेंगे, सी टू। तो आपने I1 और I2 की वैल्यू निकाल लिया, अब कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में रख देते हैं, बस वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण एक से। ठीक है, तो मैंने आपसे यही पहले स्टार्टिंग में कहा, जितना आप अच्छे से समझा सकते हैं उतने अच्छे से समझाइएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, उसको हम ऐसे रखते हैं। आई वन की वैल्यू कितनी, आई वन की वैल्यू सर हमने निकाली थी एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का सी वन। ठीक है, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर रखते हैं, प्लस का टू रखते हैं, सी वन को हम लोग बाद में रख देंगे। प्लस का आई टू की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी, 3/2 लॉग x माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे आप log की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, क्या पता आंसर आपका log की प्रॉपर्टी के हिसाब से आ रहा हो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको लगता है आप अप्लाई करिए, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं करेंगे तब भी कोई गलत नहीं है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वन भी हमने रखा और x प्लस टू भी हमने रखा, सब कुछ मतलब यहाँ पे पुट कर दिया। अब आई वन का क्या हो जाएगा, आई वन का यहाँ पे हमने सी वन लिख दिया, प्लस का I2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल आपकी अलग है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, I आपका है, तो यहाँ प्रॉपर आपका I रहेगा, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस का 3/2, यहाँ पे हो जाएगा log x माइनस वन, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये आपका हो जाएगा log, यहाँ पे हो जाएगा कितना, x प्लस वन। इन दोनों को हटा के यहाँ पे एक हम c यूज करते हैं, और यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, जहाँ c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1 प्लस c2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको माइंड में रखनी है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, बस आपको थोड़ा सा
लॉजिकली सोचना पड़ेगा क्या चीज कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 15 लिखा है, क्या इंटीग्रेशन 1/(x^4-1)dx। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सोल्यूशन राइट करना है, देन आपको यहाँ पे वही सेम काम आई इक्वल टू पहले राइट करना है। ठीक है, तो जब इस तरह क्वेश्चन आया तो आप कोशिश यही करिए कि प्रॉपर ये सब चीज़ें बनाइए, देन आप इसमें फैक्टर यूज करिए। क्या फैक्टर आपके निकल सकते हैं? सर बिल्कुल निकल सकते हैं। तो देन आपको पता है इस चीज़ को मैं यहाँ पे इस तरह राइट कर सकता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एंड माइनस वन का हम यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अब दिख गया होगा क्या, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब आपकी माइंड में बननी चाहिए, है ना। तो एक बार हमने माइनस किया एंड एक बार हमने प्लस कर दिया। बार देखिए अब यहाँ भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन रहा है, माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी एक बार बन जाएगा, तो आपका यहाँ पे आई हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन 1/(x) कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक बार माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, उसके बाद प्लस को वन। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप पहले माइनस लेना चाहते हैं या प्लस लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर, क्योंकि मल्टीपल में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रॉपर चीज़ें निकाला है, अब हम इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, देन हम यहाँ पे सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे आके पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकलेगा कितना, एक्स माइनस वन चल रहा है, चलने दीजिए, यहाँ पे एक्स प्लस वन है एंड कितना एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे वन है। ठीक है, जब हम इसको ब्रेक करेंगे कितना आएगा, यहाँ देखिए सिंगल है तो यानी कि ए अपॉन समथिंग कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन हो जाएगा एंड यहाँ सेकेंड बी अपॉन करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस का यहाँ पे वन हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस का यहाँ पे डी आ जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बनेंगी। अब इधर देखिए बन गया, अब क्या करेंगे, नॉर्मल इसको हम तो इक्वेशन फर्स्ट बनाना ही बनाना है क्योंकि अभी किसी को बनाया नहीं हमने, तो यहाँ पर इसको बनाना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, तो पहले एलसीएम लेके अच्छे से यूज कर लेंगे, तो फिर हम एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। चार लोग हैं क्योंकि यहाँ मैंने आपसे क्या कहा था, जब क्वालिटी के अंदर बनने लगेगी तो आपको हमेशा इस फॉर्मेट में ही लेट करना है। ठीक है, सब चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में इसके कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। इसका एलसीएम आपको पता है, जब वेरिएबल होते हैं तो वही चीज़ आती है एलसीएम में, है ना, तो उसको नॉर्मल हम लोग ऐसे ही लेट कर लेंगे। अब यार ध्यान से देखिए, इस चीज़ से ये चीज़ क्या होगी, रिमूव हो जाएगी, बचेगा ये, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं ए के साथ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वन आ जाएगा, प्लस का बी आपका आएगा, इससे ये चली जाएगी, बचेगा ये और ये बचेगा, इसके साथ लिख देते हैं कितना, एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे वन आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे लास्ट में यानी कि सी एक्स प्लस डी में गए हम लोग, तो यहाँ कितना आएगा, इस चीज़ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वो भी राइट कर सकते हैं, चाहे आप ये भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका वन, देन आपका ये जो बचा हुआ है कम्प्लीट, इसको हम यहाँ राइट कर लेते हैं, हम नाम देते हैं क्या, समीकरण दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से नॉर्मल हम वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आराम से निकल सकते हैं, इसके नहीं निकलेगी, तो हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, क्योंकि तुलना कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जब यहाँ निकल जा रही है ए और बी की वैल्यू आराम से निकाल लेते हैं, तो यहाँ जब एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक्स की वैल्यू आपकी वन निकलेगी, और जब एक्स की वैल्यू वन निकलेगी तो वन कहाँ रखेंगे, समीकरण दो में रख देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वन। ठीक है, अब यहाँ पे ए आपका ऐसे रहेगा, चलिए ठीक है, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, वन प्लस वन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे टू आ जाएगा, और यहाँ देखिए वन का स्क्वायर करेंगे वन आएगा, प्लस का यहाँ वन करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ भी आपका टू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बी में, वन रखेंगे, वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करो क्या होता है, सब जीरो हो जाता है, तो आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब सी एक्स डी में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स डी। ठीक है, तो एक्स की जगह अभी हम यहाँ पे नहीं रख रहे, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ रखेंगे वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये आपको यहाँ रखना, तो रख देंगे तो कितना आएगा, सी का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो सी ही आएगा। ठीक है, और यहाँ करेंगे वन माइनस वन कितना हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, बचाइए तो यहाँ पे टू टू फोर हो जाएगा, तो ए की वैल्यू जब यहाँ से निकाली जाएगी कितनी निकलेगी, वन का डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन कितना आ जाएगा, वन अपॉन फोर आ जाएगा, जो कि आपका ए की वैल्यू निकलेगी। अब उसी तरह क्या काम करेंगे, जब एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी माइनस वन, उसको समीकरण दो में हम रख देते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जब एक्स की वैल्यू निकलेगी इतनी माइनस वन, तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण दो में इतने पर। ठीक है, जब दो में रखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वन, देन आपका यहाँ पे ए, अब देखिए माइनस वन रख रहे हैं, ठीक है, तो माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कंप्लीट जीरो हो जाएगा, आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस आए बी के पास,
अब बी के पास आएंगे, देखिए यहाँ माइनस वन, एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे, माइनस वन रखेंगे कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ देखिए माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ भी टू हो जाएगा। अब आते हैं सी एक्स प्लस डी में, सी एक्स प्लस डी में यहाँ से जैसे यहाँ माइनस वन रखेंगे, यहाँ माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सी यानी कि सी इस बार क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा क्योंकि सी एक्स के साथ है ना, एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस सी प्लस का डी, लेकिन आगे आपका चलेगा कितना, जीरो चलेगा, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल बी वाला, तो बी की वैल्यू जब निकाली जाएगी कितना हो जाएगा, माइनस का एक बटे चार, क्योंकि माइनस का चार यहाँ आएगा, डिवाइड नीचे भेज देंगे तो ये चीज़ आपकी यहाँ बन जाएगी। तो ए और बी तो आराम से निकाला है, अब सी और डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण दो को आपस में क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम लोग तुलना करेंगे तो वहाँ से सी और डी की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण दो से। तो यहाँ पे वन तो आपका जैसे है वैसे राइट होएगा, कोई दिक्कत नहीं, ए आपका भी ऐसे रहेगा। क्या करते हैं, इनका पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब इनका आराम से मल्टीप्लाई होगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक्स का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, देन एक्स का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्स आ जाएगा। वन का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इस वन का मल्टीप्लाई वन से करेंगे कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब आते हैं बी पे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई वन से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा एक्स आ जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस वन का मल्टीप्लाई वन से करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा। ये इसका बन गया, तो सी एक्स प्लस का डी। अभी देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, यानी कितना बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का वन बन रहा है, वो हम यहाँ पे इसे राइट कर देते हैं। ठीक, अब इधर ध्यान से देखिएगा, अब एक बार इनका फिर अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपका तो वन जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दीजिए, यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ए एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस का ए एक्स हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आपका यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी एक्स क्यूब हो जाएगा एंड बी एक्स हो जाएगा, माइनस का बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाएगा माइनस का बी आ जाएगा, प्लस लगाया इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, सी एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, इसका फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का डी आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें इतनी बनी। अब हमको क्या करना है, अब हमको तुलना करनी है, तुलना हमको वो कल नंबर लेने हैं क्योंकि ए और बी के नॉर्मल हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमको वो कल सी और डी वाले ऐसे टर्म लेने हैं जो आसानी से वैल्यू निकाल आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म कौन कौन सा है, कॉन्स्टेंट टर्म ए भी है, बी भी है और डी भी है। बात समझ रहे हैं, ए बी और डी है, सी कॉन्स्टेंट में नहीं है। ठीक, ए बी और डी कॉन्स्टेंट में है, तो प्रॉपर हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म को पहले हम अलग कर लेते हैं, देन क्या करेंगे उसके बाद जहाँ पे सी होगा सी के साथ हम चीज़ें अलग कर लेंगे तो वहाँ पे आपका सी वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यूब वाला जैसे था वैसे राइट करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ए एक्स क्यूब है उसको ऐसे राइट करने दीजिए, बी वाला तो बी हमने ऐसे राइट कर लिया, उसके बाद आगे सी है तो सी हमने राइट कर लिया। ठीक है, चलिए ऐसे हो गया। अब स्क्वायर वाले बातें हैं तो ए एक्स स्क्वायर था तो ए एक्स स्क्वायर हमने राइट कर लिया, माइनस का है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस का हो जाएगा, माइनस का बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया एंड सी तो है ही नहीं, यहाँ पे आपका आ जाएगा डी आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह स्क्वायर वाला हो गया, अब बचा ए वाला, यानी कि एक्स सिंपल सा एक्स वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स की तुलना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल हम एक्स कॉमन ले लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ कहाँ कहाँ एक्स है, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस का बी आ जाएगा, हमने एक्स कॉमन ले लिया, बाद में लिख देंगे इसके साथ में, यहाँ आ जाएगा माइनस का सी आ जाएगा, और कहीं है नहीं, और कहीं नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब बचा कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या हुआ, ए आपका अलग हुआ, यानी कि प्लस का ए हो जाएगा एंड कितना हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा एंड कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे सी नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का डी। ठीक है, तो ये टर्म आपके इतने आ गए, सब कुछ हमने अच्छे से कर लिया, यहाँ पे आपका चल रहा था वन, वन चलने दीजिए। अब तुलना हमको किसकी करनी है, जहाँ से आसानी से वैल्यू निकाला है। अब वैल्यू आसानी से कहाँ निकली, हमको वैल्यू किसकी किसकी चाहिए, हमको इन चार में से
दो तो हमने निकाल लिया था, हम बचे सी ओ डी। तो सी ओ डी का हम इसकी तुलना करने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको सी मिल जाएगा एंड यहाँ पे हमको डी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए ओ बी पता है तो सी हम आराम से निकाल सकते हैं, ए ओ बी पता है यहाँ पे डी आराम से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप किससे जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या, ये आपका एक्स का गुणांक है, ये क्या, ये आपका अचर पद है, बात समझ। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में एक्स के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अचर पद इधर कोई है, अचर पद इधर तो आपका अचर पद वन है, चलिए ठीक है, लेकिन एक्स का गुणांक जब इधर नहीं है तो आपको मैंने कहा था कि आप इस तरह लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स, ठीक है, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यह आपको नहीं लिखना, तब भी जब इधर ना हुआ करे तो आपको क्या है, वैसे भी जीरो लेना है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए प्लस का बी माइनस का सी, इधर आपका आ जाएगा जीरो आ जाएगा। देन हम इसकी बात करेंगे, कितना आ जाएगा ए माइनस का बी माइनस का डी, और अचर पद कितना, इधर वन है तो यहाँ पे वन आ जाएगा, क्योंकि अचर पद यहाँ पे दिख रहा था तो यहाँ वन हो जाएगा। अब ए की वैल्यू हमको पता है, बी की वैल्यू हमको पता है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, एक बटा चार निकाली थी, बी की वैल्यू निकाली थी माइनस का एक बटा चार, तो यहाँ रखेंगे कितना, एक बटा चार, यहाँ रखेंगे माइनस का एक बटा चार, यहाँ पे सी इज इक्वल टू जीरो, तो एक बटा चार से एक बटा चार कैंसिल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉर्मल सा जीरो आ जाएगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है ना, इस जीरो आ गया तो क्या होगा, ये है वो है ना। तो यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू कितनी है, एक बटा चार है, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का एक बटा चार है, लेकिन माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, आपका प्लस का एक बटा चार हो जाएगा इस बार, तो माइनस का यहाँ पे डी हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे वन हो जाएगा। डी को उधर भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक बटा चार करेंगे कितना आ जाएगा, एक बटा दो आ जाएगा, और वन को इधर भेज देंगे आ जाएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमने माफ करिएगा, यहाँ पे डी है ना, डी की वैल्यू हमने एक में से एक बटा दो जाएगा, कितना आएगा, माइनस का एक बटा दो आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ पे राइट कर ली, ठीक है। सी भी निकाला, डी भी निकाला, ए भी निकाला और बी भी निकाला, तो प्रॉपर क्या करेंगे, सबकी वैल्यू उठा के हम लोग कहाँ रख देते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक में रखेंगे तो प्रॉपर आपका इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसके हिसाब से नॉर्मल आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देन हमको अब इसको अरेंज करना पड़ेगा, देन हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए, देन कोई भी परेशानी होती है तो बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर जाएंगी। ये क्वेश्चन एक्चुअली लेंदी होते हैं तो ज़्यादा बातें करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है, काफ़ी टाइम निकल जाता है सॉल्व करने में ही। तो आप जब एक दो बार क्वेश्चन अपने हिसाब से लगा लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हायर लेवल पर होगा, जब आपका कॉन्फिडेंस एक बार बढ़ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए, जब सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, ठीक है। चलिए हम इसी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग पहले अरेंज करेंगे। तो यहाँ जस्ट इसी के बाद आप काम करिएगा, क्या समीकरण एक से, समीकरण जब एक की बात करेंगे प्रॉपर यही है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे राइट करते हैं, कितना x माइनस वन एंड x प्लस वन, और आपका कितना एक्स स्क्वायर प्लस का वन है, ठीक है, वो राइट कर देंगे। ध्यान दीजिए, एक की वैल्यू कितनी निकाली, एक बटा चार निकाली, तो एक की जगह एक बटा चार रखेंगे, तो एक बटा चार यहाँ लिखे, फिर चार नीचे आए, तो इससे अच्छा है कि पहले क्या करें, पहले ही हम चार नीचे ले आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वन हो जाएगा। प्लस का बी है तो प्लस का बी चलिए रखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे माइनस का एक बटा चार है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का एक बटा चार आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, ये कहानी यहाँ हो गई। प्लस का सी की वैल्यू कितनी निकाली थी, सी की वैल्यू हमने जीरो निकाली, जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी, माइनस का एक बटा दो है, तो यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड एक बटा दो लिखेंगे, उसके बाद जो नीचे लिखा कितना एक्स स्क्वायर प्लस का वन, चाहे वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब नॉर्मल क्या करेंगे, अब हमको पता हो गया क्या, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, अब प्रॉपर क्या करेंगे, इसको हम लोग आई की जगह यानी कि इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। जब इसकी जगह हम लोग प्रॉपर क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकाली थी और ये क्या था, ये आपके आई की इक्वल ही था, तो हम लोग इसकी जगह हम लोग अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे आई में। जब पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन वन अपॉन फोर कॉन्स्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ कितना बचेगा, वन अपॉन एक्स माइनस वन बचेगा, एंड आपका आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, माइनस का एक बटा चार ऐसे रहेगा, तो वन अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर वन हो जाएगा, एंड आपका यहाँ पे dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का एक बटा दो आपका बाहर रहेगा, वन अपॉन वन प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आपका यहाँ पे आ जाएगा dx आ जाएगा। चलिए यहाँ पे i तो आपका ऐसे रहेगा, वन अपॉन फोर भी आपका ऐसे रहेगा, आपको पता है वन अपॉन एक्स log x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा log x हो जाएगा, यानी कि x माइनस वन हो जाएगा, और x में ऐड जो भी होता है उसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब x का जो मल्टीपल होता है वो कुछ हो गया तो यहाँ डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ मल्टीपल क्या वन है, तो वन से डिवाइड करने कोई मतलब नहीं है। तो वन अपॉन फोर आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पे रहेगा लॉग, ये आपका हो जाएगा कितना एक्स प्लस वन हो जाएगा,
माइनस का 1 अपॉन 2 रखा और आपको पता ही किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका टेन इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा और लास्ट में कॉन्स्टेंट हो जाएगा सी। ठीक है, तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। ये आपको नहीं करना, तो आपको दिख रहा है यहाँ 1/4 कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए, जो 1/4 बाहर निकालें कितना बनेगा, लॉग आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस का लॉग आपका ये रहेगा कितना, एक्स प्लस का 1 रहेगा, माइनस का 1/2 तो आपको बाहर ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे रहेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस का यहाँ पे रहेगा सी। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे यहाँ लॉग एम माइनस लॉग एन फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, लॉग एम अपॉन एन होता है, वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, तो आपको यहाँ लिखा जाएगा आई इक्वल टू 1/4 लॉग एम, एम कितना है, एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एंड यहाँ कितना है, एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा माइनस का 1/2, ये आपका हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स एक्स प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ आई होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे भी आए कैसे भी ना आए आपको ऐसे टैकल करना, तो बस आपको कल कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है कि किस तरह क्वेश्चन बना है, किस तरह क्वेश्चन नहीं बना, क्या सिंपल फॉर्मेट बना है या कुछ अलग बना है। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा माइंड में रखना है जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आएगा नॉर्मली आप कर लेंगे, बस आपको इंटीग्रेशन के नॉर्मली फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली आप यही देख रहे होंगे इसमें क्या फॉर्मूला, लॉग का अधिकतर यूज हो रहा है, तो लॉग का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने चीज़ें बताई हैं कैसे कैसे यूज करना है। तो इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।